ग्रैनी में स्पार्क प्लग का यूज़ हमें कहाँ करना है? तो अगर कहीं भी आपको स्पार्क प्लग दिखता है या मिलता है, जैसे कि हम अभी स्पार्क प्लग लेने जा रहे हैं, तो मुझे पता है एक्चुअली में कहाँ पर रखा है वो। अभी हर जगह हर बार अलग अलग जगह पर ही मिलेगा। तो हम फिलहाल जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर जाना है अभी हमें। फिर भी यहाँ चेक कर लेता हूँ, कुछ है तो नहीं। ऊपर रखा है, इसके अंदर रखा है स्पार्क प्लग। ये रहा स्पार्क प्लग। अगर ये मिलता है तो इसे कहाँ यूज़ करना है? ऑब्वियसली एक कार का आइटम है जो कार में लगेगा। तो चलते हैं पहले नीचे। जाते जाते यहाँ पर हम आवाज़ कर देंगे ताकि ग्रैनी इधर आ जाए और हम आसानी से गैराज की तरफ जा सकें, क्योंकि एक रास्ता गैराज में होता है जाने का। तो ये कार में लगेगा, और कार में किस जगह लगेगा वो मैं अभी बताता हूँ। नीचे चलते हैं पहले। भागो 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 भागो। गाड़ी को आगे से ओपन करना है और यहाँ पर लग जाएगा स्पार्क प्लग। अब अगला बारी है कार बैटरी। कार की जो बैटरी है वो कहाँ लगेगी? तो ये ले ली है हमने कार की बैटरी। अब लेके चलना है हमें सेम जगह गैराज में, और ये कार में किस जगह लगती है ये बताता हूँ मैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैंने पूरी वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इसको आप देखना चाहते हो अगर मेरी पूरी वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके ज़रूर देखना। ग्रैनी पार्ट 1 चैप्टर 1, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी क्या लगभग सारी चीज़ें हैं कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी। तो हमें कार की बैटरी यूज़ करना है इस जगह पर, इस जगह पे करना है कार की बैटरी यूज़। ये हो गया। अब बारी आती है थर्ड सामान, जो कि है इंजन का पार्ट। अगर आपको कहीं भी इंजन का पार्ट नज़र आता है तो उसे कहाँ यूज़ करना, जैसे कि मुझे यहाँ मिला था, तो लेके चलते हैं इसको गैराज में, क्योंकि इंजन का पार्ट है तो ऑब्वियसली गाड़ी में ही लगेगा। एक रास्ता ये भी है, यहाँ से चलते हैं नीचे, कार की साइड ही जाना है, और ये भी आगे ही लगेगा, इसे यूज़ कर लेना है यहाँ पर बस। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।